तो गाइस वेब सीरीज के हम इस एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। गाइस आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि भाई वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो वेबसाइट के लिए आपने बहुत सारे वीडियो देख ही लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वेबसाइट पे एक्चुअल क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है, ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन से स्क्रिप्ट है जिनकी जरूरत पड़ती है पूरी वेबसाइट बनने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यार एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ लैंग्वेज, कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, कुछ कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहेंगे कि अगर कोई पे इंसान खड़ा है, हम उस इंसान को बोलेंगे कि भाई तुम यहां से बाजार जाओ और बाजार से ये सामान खरीद के लाओ, तो वो बाजार जाएगा, बकायदा सामान खरीद के लाएगा, क्योंकि हमने उसको कमेंट दे दिया, हमने उसको अपना कमांड दे दिया। अब उसके पास वो कमांड आ गई, अब वो पूरा काम कर देगा। तो उसी तरह हमको कोड बनाने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर के कोड बनाने पड़ते हैं, वेबसाइट के पूरे कोड बनाने पड़ते हैं कि यहां पे हमें ऐसे चाहिए, हमको यहां पे ये लेआउट चाहिए, स्क्रिप्टिंग चाहिए, हमें यहां पे ये बटन चाहिए, यहां पे ये फॉर्म बनाना है। तो इसी तरह पूरी वेबसाइट की एक लेआउट तैयार करना पड़ता है, उसके बाद लेआउट के बाद उसकी फंक्शनैलिटी पे काम करना पड़ता है कि हमें उस वेबसाइट में काम क्या करवाना है। तो ये हो गई पूरी वेबसाइट की बात। अब फर्स्ट चीज आती है हमको लैंग्वेज की बात, तो किस लैंग्वेज पे वेबसाइट बनती है। तो सबसे पहले आती है HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, ये सारी लैंग्वेज हैं अलग अलग जिनका यूज करके हम एक कंप्लीट वेबसाइट बना पाते हैं। तो यार देखो जब डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन हम किस लैंग्वेज से करते हैं, HTML, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जहां से हम अपनी वेबसाइट में डिजाइन दे सकते हैं। अब डिजाइन कैसे बनाना, मतलब आपके पास एक कॉपी है और एक पेन है। अब आपको पेन दे दी जाए, आपने उस कॉपी में पूरा कंटेंट लिख दिया तो वो कंटेंट दिखने लगा, लेकिन यार अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसी को कलरफुल बनाना है बकायदा डिजाइन से, तो उसके लिए हम कलरफुल पेन यूज करेंगे। तो वहीं पे यहाँ पे हम बात करेंगे तो उसको CSS यूज किया जाता है। तो जब वेबसाइट हम लिख लेते हैं, पूरी वेबसाइट का डिजाइन तैयार कर लेते हैं, तो हमको उसको कलरफुल बनाने के लिए, हमको उसको सजावट के लिए CSS का प्रयोग करना पड़ता है। CSS मतलब एक ऐसी लैंग्वेज होती है जहां से हम वेबसाइट की पूरी कलरफुल डिजाइनिंग तथा अच्छी अच्छी उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे लेआउट बना सकते हैं। तो ये हो गया CSS। अब भैया आज की बात करते हैं, तो अभी बूटस्ट्रैप आ गया है, बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 5 चल रहा है। तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है यार, पूरी HTML कोडिंग की एक लेआउट बना के इन्होंने तैयार करके रख दी है और एक क्लास बना दी है। सीधे आप क्लास लगाते जाओ, क्लास करके कॉल करते जाओ, आपको लंबी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप बना दी है, तो आप बूटस्ट्रैप का यूज करके भी उसके डिजाइन कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप के बारे में आप जाके देख सकते हो वहां पे। अब देखो मैं एक ऐसी वेबसाइट बता देता हूं जहां से आप वेबसाइट बनाने के लिए अच्छी खासी जाके अच्छा खासा ट्यूटोरियल है, तो आप वहां से जाकर सीख सकते हो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट के कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो यार जब आप जाते हो W3 लेआउट में, W3 लेआउट एक वेबसाइट है जहां से आप जाके सारे लैंग्वेज के कोड देख सकते हो कि एक्चुअल में बैक में क्या कोड होते हैं। तो सारे कोड के एग्जांपल दिए होते हैं, जैसे आपको वेबसाइट में एक नैव बार चाहिए, है ना, वेबसाइट में एक बटन चाहिए, हमको एक इनपुट बॉक्स चाहिए, एक वहां पे सबमिट बटन चाहिए। तो ये सारी चीजों को यूज करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज करके हम डायरेक्ट डिजाइन बना सकते हैं। देखो HTML में पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, CSS में हम पूरी स्टाइल चढ़ाते हैं, इसके बाद आता है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप HTML और CSS का कॉम्बिनेशन होता है जहां से हम पूरी डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद आता है PHP और MySQL और JavaScript। तो यार ये तीन लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको थोड़ा टफ होती है, जिनको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अब जैसे इन तीन लैंग्वेज को हम पढ़ के अब पूरी फंक्शनैलिटी करेंगे वेबसाइट की। तो PHP में क्या होता है, PHP में हम जैसे अब आपने एक फॉर्म बनाया, मान के चलो आपने स्कूल का फॉर्म बनाया, एडमिशन फॉर्म बनाया, तो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज को फिल करने के बाद जब हम सबमिट में क्लिक करेंगे, तो सबमिट में क्लिक करने के बाद वो पूरा डाटा उठ के MySQL सर्वर में चला जाता है, मतलब डाटाबेस में चला जाता है। तो डाटाबेस यहां पे हम MySQL जब यूज करेंगे तो वहां पे पूरा डाटा सेव होते जाता है। तो यार PHP हो गई वहां से सामान उठा के और MySQL में रखने के लिए, मतलब PHP एक काम करती है कि डाटा को उठा के यहां पे देना, और MySQL का काम होता है डाटा को सेव करना। तो ये सारी लैंग्वेज है जिनका यूज करके आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। अब देखो वेबसाइट में आपको जरूरत क्या पड़ेगी, अब देखो कैसे बनाओगे, आपको सिस्टम चाहिए, इसके बाद आपको एडिटर चाहिए, एडिटर मतलब नोटपैड हो गया, या फिर आपका सबलाइन, और बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट एडिटर आते हैं जिनको आप यूज करके आप अपनी कोडिंग कर सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो। एडिटर के बाद आपको अपने आपके सिस्टम, आपके लैपटॉप में एक सर्वर चाहिए होता है, XAMPP सर्वर, अपाचे सर्वर, इसको लोकल सर्वर बोला जाता है, ताकि हम इस सर्वर का यूज करके हम अपने सर्वर में वेबसाइट रख के उसको रन करवा सके। तो अपाचे सर्वर का यूज कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। अपने सिस्टम में ही जब अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो आपका सिस्टम ही क्लाइंट बन जाता है और वही होस्टिंग बन जाता है। तो यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हैं आप होस्टिंग के लिए। अब देखो जब पूरी वेबसाइट बन जाती है आपकी, तो जब पूरी वेबसाइट बनती है तो हमें उसके लिए एक डोमेन और एक सर्वर लेना पड़ता है, ताकि हम उस वेबसाइट को होस्ट कर सकें, हम दुनिया भर के किसी भी सिस्टम में अपने उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो हमें एक डोमेन नेम होता है, डोमेन मतलब www.facebook.com, google.com, ये सब डोमेन होते हैं, और होस्टिंग क्या
होती है होस्टिंग, मतलब जहां पे हम अपने वेबसाइट को रखते हैं ताकि आप दूसरे सिस्टम में एक्सेस कर सको। तो ये सारी प्रोसेस होती है गाइज, यहां पे आप इन सभी चीजों का यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अब देखो इसमें मैं पिछले एक सीरीज बनाया था जिसमें बताया था वेबसाइट कैसे बनाना है। अब देखो थोड़ा सा मैं अभी समझा भी देता हूं, एक प्रोग्राम रन करके बता देता हूं कि भाई वेबसाइट में एक्चुअल में ऐसे ऐसे आप यूज करना है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे नोटपैड ओपन करना है। जैसे ही हम नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड पे हम कोड लिखते हैं यहाँ पे, तो देखिए हम अब एक वेबसाइट खोल लेते हैं W3 School, और जब W3 School ओपन करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं सारी लैंग्वेज रहती है ना, इन सब के कोड यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम इन सबको उसका यूज़ करके हम वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो जैसे HTML पे देखिए ये सारी लैंग्वेज यहाँ पे दिख रही है ऊपर, HTML, JavaScript, PHP, Bootstrap, How To, ये सब लैंग्वेज है ना, तो इन सब लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं। अब देखिए HTML का इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन है HTML का जो भी, तो सामने अब देख रहे हैं आप यहाँ पे HTML का ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और नीचे आके इसके कोड देख सकते हैं एक एक के। तो आपको बटन चाहिए, इनपुट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो सारे के अलग अलग कोड होते हैं। तो ये हम कोड कॉपी किए यहाँ से और इसको नोटपैड में हम इसको पेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये टैग हैं, HTML हो गया, हेड टैग, टाइटल टैग में ये पेज का टाइटल होता है ऊपर दिख रहा है जो आपको टाइटल, तो ये टाइटल का यूज़ करके हम टाइटल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बॉडी होती है जो पूरे पेज की एक बॉडी रहती है, इसके अंदर पूरे फंक्शन, पूरे बटन सब कुछ रहता है यहाँ पे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और नोटपैड में पेस्ट करेंगे। अब जैसे नोटपैड में हम पेस्ट करेंगे इसको और इसको सेव करना है फाइल को, सेव इज, तो हमको कोई नाम देके .html में ही सेव करना है, कुछ भी ना, mypage.html .html लगाएंगे तभी वो रन होगी फाइल। अब इसको सेव कर दीजिए फाइल को, तब हम सेव कर दिए। अब इसको देखो रन करते हैं। तो जैसे हम इस फाइल को रन करते हैं यहाँ से देखिए, तो ये देखो यहाँ पे वेबसाइट खुल गई, और उस जितना उस प्रोग्राम में था, उस छोटे से प्रोग्राम में, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब वही प्रोग्राम अगर बड़ा होता तो और बड़ा दिखता, जितने डिजाइन हम बनाते जाएंगे उतनी चीज़ें यहाँ पे दिखती जाएंगी। तो ये आपको समझ में आया होगा, बूटस्ट्रैप का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो मान लो हमको एक नेबर चाहिए जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ब्लैक कलर का, तो बूटस्ट्रैप से नेबर को निकाल के हम नेबर में क्लिक करेंगे और यहाँ से जो नेबर पसंद आए हमको, जैसे ये ब्लैक वाला हमें पसंद है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करके हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे उधर, और जैसे ही नोटपैड में हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको पेस्ट करते हैं, देखिए ये कॉपी कर रहे हैं, ये सारे अलग टैग हैं, आपको सीखना पड़ेगा ये सारे टैग है ना। तो इसको हम नोटपैड में पेस्ट करते हैं यहाँ पे बॉडी में, तो देखो ये पेस्ट किए हमने और इसको सेव किए। अब देखो यहाँ पे अभी ये पूरा रन नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक नहीं लगाई बूटस्ट्रैप की, तो बूटस्ट्रैप की लिंक भी हम यहाँ से लगा लेंगे। आइए देखते हैं फिर से। तो इसको पूरा रन करना पड़ेगा आपको, और इसके बाद ये पूरा कॉपी करिए यहाँ से, पूरे कंट्रोल ए कर दीजिए और कॉपी कीजिए और सीधे नोटपैड में कंट्रोल ए करके पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। और देखो रन करते हैं हम, ये रन किए तो हमने यहाँ पे ये सारा ब्लैक कलर का आ गया ऊपर नेबर, मतलब वेबसाइट की डिज़ाइन शुरू होगी। अब यहाँ से पूरी डिज़ाइन बनाते जाएंगे हम, नेबर बन गया उसके बाद नीचे, और इमेजेस लगाना है तो लगा सकते हैं। तो ये सारी कंप्लीट प्रोसेस हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे page 1, page 2, page 3 को चेंज कर दिए, जैसे ही चेंज करके सेव किए और रन करते हैं तो ये देखो यहाँ पे प्रोफाइल भी चेंज होगी जैसे ही रन करेंगे। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, यहाँ से हम इसका यूज़ करके अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपने देखा कि हम किस तरह से वेबसाइट एक बना लेते हैं, किस तरह डिजाइन कर लेते हैं। तो कंप्लीट वीडियो नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं ज़रूर बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो आगे भी बताऊंगा। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।